Welcome to video lecture series on strength of material. In this video, we will start with a new topic, that is simple statistical indeterminate beam. Now here the word is indeterminate. ठीक है, तो ये indeterminate क्या होता है हम पहले देख लेते हैं. Determinant means, अगर for example जैसे हमने last time एक beam देखा था जिसमें तीन parts थे, right? हमें यहाँ पे P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3 एंड P4 ऐसा कुछ गिवन था. P1 की वैल्यू गिवन थी से फॉर एग्जांपल 100, P3 की वैल्यू गिवन थी से फॉर एग्जांपल 16 और इसकी वैल्यू से फॉर एग्जांपल 20, लेकिन P2 की वैल्यू गिवन नहीं थी और उसे हमने निकाला था समीशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू जीरो करके, विच इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, राइट. सिमिलरली देयर आर other two conditions, that is summation of Fy is equals to 0 and summation of moment is equals to 0, right. So these are the three conditions for equilibrium. ये आपने already engineering mechanics में देखा है, right. अगर हम ये तीन equation का use करके अगर body के जो unknowns है वो unknowns find out कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे unknown क्या था, P2, क्योंकि इसकी value हमें दी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेंट बीम, राइट, क्योंकि उसके सभी फोर्सेस कैन बी डिटरमाइन एंड देयरफॉर इट इज नोन एज स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेंट बीम. अब इनडिटरमिनेंट बीम क्या होता है, तो इनडिटरमिनेंट बीम में जब हमें ये इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन का यूज करना पड़े या फिर एक से ज़्यादा दो इक्वेशन का यूज करना पड़े फॉर फाइंडिंग आउट द अननोन्स, फॉर डिटरमाइनिंग द अननोन्स, देन दोज बीम्स और दोज बार्स आर कॉल्ड एज indeterminate bars, right? Okay, so with the help of this numerical we will try to understand what is this determinant or indeterminate. So let's start with this numerical. In this numerical, a steel bar of cross sectional area 200 square mm is given, means this bar is having same cross sectional area throughout. Okay, so let me write down the given data. So what is given? Given is area A, which is 200 mm square, held firmly at ends and loaded as shown in the figure. अब यहाँ पे जो है, इसके पहले के जो हमने देखे थे उसमें कैसा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बीम है या फिर बार है, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस लगाए हुए थे, राइट. इसका मतलब क्या कि वो ऐसा डिस्प्लेस हो सकते हैं यहाँ से, ओके. लेकिन ये कंडीशन में क्या किया है, उन्होंने दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट किया है. दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट करने के वजह से क्या होगा कि ये ए या ये फेस ए इधर डिस्प्लेस नहीं हो सकता है और ये फेस बी इधर डिस्प्लेस नहीं हो सकता है. जो फेस सी है वो इधर उधर मूव कर सकता है फ्रॉम ए टू बी, राइट. लेकिन ये टोटल बार की जो लेंथ रहेंगी वो सेम रहेंगी. हो सकता है कि ये फोर्स के वजह से ए सी की लेंथ चेंज हो, सी बी की लेंथ चेंज हो, लेकिन टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ कितनी दी है हमें, टोटल लेंथ जो गिवन है वो है 1.5 मीटर. ये 1.5 मीटर कभी चेंज नहीं होगी. इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि ये एंड और ये एंड कैसे फिक्स है, वो मूव नहीं हो सकते, ओके. तो हमें ए गिवन है, फाइन. उसके बाद हमें क्या गिवन है, इस लेट अस से दिस इज 1, इसे हम ए 1 कहते हैं. Let us say this as 1 and this one as 2. Okay. So we can say L1 is equals to 500 mm and L2 is equals to 1000 mm. है ना, ये 0.5 मीटर है, ये 1 मीटर है. चलो, उसके बाद और क्या गिवन है, उन्होंने दिया है कि ये जो पोर्शन है या ये जो बॉडी है या जो बार है इज मेड अप ऑफ स्टील विथ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm square. ठीक है ना, GPA का अगर हम न्यूटन पर mm square में कन्वर्ट करते हैं तो 200 × 10⁻³ करना पड़ेगा हमें. ये हो गया गिवन डेटा. अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन एट ए एंड बी. तो हमें यहाँ पे रिएक्शन फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे रिएक्शन कैसी आएंगी. ठीक है, इसे हम कहेंगे आर ए और इसे हम कहेंगे से आर बी. अब इसका डायरेक्शन कुछ भी रह सकता है, अभी फिलहाल मैंने ऐसा डायरेक्शन लिया. ठीक है, तो डायरेक्शन कुछ भी रह सकता है. देन स्ट्रेसेस इन ईच पोर्शन, यानी मुझे सिग्मा वन
सिग्मा वन और सिग्मा टू कैलकुलेट करना है, राइट। और क्या पूछा है उन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ लेफ्ट पोर्शन एसी, ये जो पोर्शन एसी है इसका एक्सटेंशन कितना आएगा, राइट। तो इसमें एक्सटेंशन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि इसकी लेंथ 0.5 है, तो इसकी लेंथ 0.5 से बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। सिमिलरली सी बी की लेंथ बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है, लेकिन टोटल लेंथ जो रहेगी वो हमेशा फिक्स रहेंगी 1.5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी में टोटल डिफॉर्मेशन जो है यानी डेल एल ए सी प्लस डेल एल सी बी इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, जीरो। ओके चलो देखते हैं वो आगे कैसे करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है आर ए एंड आर बी। ओके देन स्ट्रेसेस इन पोर्शन, सो सिग्मा वन एंड सिग्मा टू कैलकुलेट करना है। देन एक्सटेंशन ऑफ लेफ्ट पोर्शन ए सी, दिस ए सी पोर्शन, तो थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेल एल वन कैलकुलेट करना है। अज्यूम ई तो दिया है, ठीक है। अभी ये टाइप के प्रॉब्लम में, ऐसे प्रॉब्लम जब भी रहते हैं तो एक ध्यान में रखना, एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ हिंट क्या रहेंगे हमारे प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हिंट हमेशा ध्यान में रखना इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ ये चलेगा, ठीक है। तो डेल एल वन प्लस डेल एल टू विल बी इक्वल्स टू जीरो, हमेशा याद में रखना, ठीक है। तो इसमें जो टोटल चेंज इन लेंथ रहेंगी वो हमेशा कैसे रहेंगी, जीरो रहेंगे। ओके तो अभी हम इसे साइड में ले लेते हैं। फाइन, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना वो देख लेते हैं। तो नंबर कितने पार्ट्स है, दो पार्ट्स है ना, तो आप सबसे पहले ये दो पार्ट्स ड्रॉ कर लीजिए। कैसी भी साइज आप इसकी दे सकते हो, इनको नाम दे दीजिए ए बी बी सी, ठीक है। सो ए बी और बी सी हमने नाम दे दिए। उसके बाद दोनों में अभी हमें पता नहीं है यहाँ पे फोर्स, हम जनरली अब इसके पहले के न्यूमेरिकल में क्या करते थे, यहाँ पे जो फोर्स रहता था वो लेते थे, इसको इक्विलिब्रियम में कर लेते थे। बाद में जो लास्ट एंड का जो फोर्स रहता था वो यहाँ लेते थे, इसको इक्विलिब्रियम में कर लेते थे, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ है अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो दोनों हैं बोथ आर इन टेंशन, दिस इज अवर अजम्पशन। ओके ये ध्यान में रखना है कि ये हमारा अजम्पशन है कि दोनों कैसे हैं, दोनों टेंशन में है, ठीक है। तो अगर हम इसे कहते हैं आर ए तो इसे भी आर ए करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम में है तो, और अगर इसे हम कहते हैं आर बी, ओके सो लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, दिस पोर्शन इज सी सी एंड बी, राइट, ए सी एंड सी बी, फाइन। सो हमने अभी ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इस पे से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमें क्या पता है कि जो सी फेस है, सी फेस पे कौन से दो फोर्स है, आर ए और आर बी, ये दोनों की टोटल कितनी आनी चाहिए। यहाँ पे सी फेस पे कितना फोर्स है, 50। अब ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ फोर्सेस एट फेस सी, फेस सी पे फोर्सेस का समीशन करेंगे। तो अगर ये दोनों का अगर हम समीशन करते हैं तो आर ए राइट साइड में जा रहा है यानी प्लस आर ए माइनस आर बी राइट इज इक्वल्स टू प्लस 50। ओके सो देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर ए इज इक्वल्स टू 50 माइनस आर बी, सॉरी 50 प्लस आर बी, क्योंकि माइनस आर बी उधर चले जाएगा प्लस हो जाएगा राइट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लेटेस्ट से दिस एज इक्वेशन वन। तो अभी हमने क्या लिखा यहाँ पे, आर ए में ये इक्वेशन फॉर्म किया और इस पे से ये इक्वेशन निकाला, आर ए इज इक्वल्स टू 50 प्लस आर बी। ओके तो अभी हम इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, डन। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, ये तो अभी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमारा, ठीक है, यहां से हमने हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है।
ये हमारी स्टेप वन थी जहां पे हमने सी फेस पे समेशन किया। अभी जो हमें पता है, जो मैंने हिंट बताई थी, हिंट क्या थी, डेल एल वन प्लस डेल एल टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये हिंट हम अभी लेंगे। सेकेंड, डेल एल वन प्लस डेल एल टू इज इक्वल्स टू जीरो, तो डेल एल वन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं तो पी वन एल वन अपॉन ए वन ई वन, अब प्लस पी टू एल टू अपॉन ए टू ई टू, लेकिन अभी हमारे केस में ए वन ई वन इज इक्वल्स टू ए टू ई टू है, तो यहाँ पे मैं वन वन लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि एरिया भी सेम है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है, इज इक्वल्स टू जीरो। चलो तो पहले मेंबर पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, आर ए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं आर ए इंटू एल वन कितना है 500, तो मुझे यहाँ पे 500 लिखने दीजिए, प्लस पी टू कितना है आर बी, तो यहाँ पे हम आर बी लिखते हैं, और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर यानी 1000 इज इक्वल्स टू जीरो। अब आप बोलोगे सर ये ए वन ई वन कहाँ पर गया, तो ये ए वन ई वन कॉमन हो जाएगा और ये इधर चले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, पी वन के जगह पे आर ए हमने पुट किया, यहाँ पे पी टू के जगह पे आर टू पुट किया, और बाद में ये सॉल्व किया। अब ये जो आर ए है, हमें पता है आर ए की वैल्यू, आर ए इज इक्वल्स टू 50 प्लस आर बी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 50 प्लस आर बी इंटू 500 प्लस आर बी इंटू 1000 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अभी ये पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है, सिर्फ आर बी है, तो हमें आर बी की वैल्यू मिल जाएंगी, तो आर बी की वैल्यू आ जाएंगी -16.67 किलो न्यूटन। सिमिलरली अगर हमें आर बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएंगी, और आर ए इज इक्वल्स टू 33.33 किलो न्यूटन। ओके, तो हमें आर ए और आर बी की वैल्यू मिल गई। अभी कैसे कैलकुलेट की हमने आर ए और आर बी की वैल्यू, अभी ये कंडीशन में हमें आर ए और आर बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो इक्वेशन लगे, क्योंकि दो अननोन्स थे, राइट, आर ए और आर बी। इसके पहले जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें सिर्फ एक ही अननोन था, इसलिए हमें एक इक्वेशन लगता था, यहाँ पे दो अननोन थे इसलिए हमें दो इक्वेशंस लगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले समेशन ऑफ फोर्सेस एट सी किया, और उसके बाद हमने हमारी जो हिंट दी थी डेल एल वन प्लस डेल एल टू इज इक्वल्स टू जीरो को यू का यूज़ किया, और हमें फाइनली फिर ये दोनों चीज़ें मिली। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आर बी कैसा दिया हुआ है माइनस, और आर ए कैसा दिया है प्लस, तो मुझे ये डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाने दीजिए, तो मैं ये डायग्राम फिर से यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, अभी हमारा वन पोर्शन है, ये पोर्शन टू है, आर ए कैसा है प्लस है यानी टेंसाइल हमने अज्यूम किया था और है टेंसाइल, और इसकी वैल्यू कितनी है 33.33, राइट, ये हमने अज्यूम किया था टेंसाइल बी दिस वन, राइट, लेकिन ये माइनस आया, इसका मतलब ये कैसा है टेंसाइल नहीं, ये कैसा है कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 16.67, राइट, सो दिस इज टेंसाइल एंड दिस इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। तो हमारा पहला क्या था कि आर ए और आर बी निकालना, तो हमने आर ए और आर बी निकाल लिया, ओके। सेकेंड क्या था, क्या हमारा स्ट्रेसेस निकालना है, तो हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करेंगे अभी, और बाद में क्या निकालना है एक्सटेंशन इन पोर्शन ए सी, फाइन। तो अभी हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये आर ए और आर बी की वैल्यू उधर ले लेते हैं, ठीक है, सो आर ए आर बी लगेगा, और क्या लगेगा हमें, आर ए की वैल्यू कितनी है 33.33 और आर बी की वैल्यू है -16.67 किलो न्यूटन, ओके। और एरिया कितना गिवन है हमें, एरिया गिवन है 200, ओके, सो एरिया गिवन है 200 mm स्क्वायर। अभी स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, सो सिग्मा वन यानी कौन से पोर्शन के लिए, ए सी पोर्शन के लिए, और सिग्मा टू
ये कौन से पोर्शन के लिए, सी बी पोर्शन के लिए। तो सिग्मा वन क्या रहेगा, लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है वन पोर्शन के लिए, है ना, दिस इज फॉर पोर्शन वन आर ए एंड दिस इज फॉर पोर्शन टू आर बी। तो 33.33, लेकिन ये किलो न्यूटन में है तो इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 200। सिमिलरली यहाँ पे भी पी बाय आएगा, लेकिन यहाँ पे पी कितना है 16.67, माइनस है, डिवाइडेड बाय 200। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेंगे 166.66 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और सिग्मा टू मिल जाएगा 33.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये कैसा है, टेंसाइल इन नेचर है एंड दिस इज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। ओके, तो सिग्मा वन सिग्मा टू मिल गया, आर ए आर बी मिल गया। अभी हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, एक्सटेंशन इन पोर्शन ए सी। सो डेल एल वन कह सकते हैं हम इसे, या फिर डेल एल ए सी कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए ई। व्हाट इज पी फॉर ए सी, इट इज 33.33 इंटू 10^3। वॉट अबाउट एल, एल इज 500 mm। वॉट अबाउट ए, ए इज 200 एंड वैल्यू ऑफ ई, ई इज 200 इंटू 10^3, राइट, ई इज 200 इंटू 10^3, एल वन इज 500 एंड ए इज 200। वॉट अबाउट सिग्मा वन, सिग्मा वन इज 33.33। ओके, तो ये हमें पता है, तो इस पे से हमें डेल एल ए सी मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.4166 mm। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोर्शन ए सी है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है और पोर्शन सी बी है उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है बाय 0.4166 mm। सिमिलरली इसकी लेंथ डिक्रीज होंगी 0.4166 mm से। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इन केस ऑफ एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।